हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर मैथ्स क्लास। पेज नंबर 92, चैप्टर 9 का ही पेज नंबर 92 में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर। अभी तक हमने चैप्टर 9 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों किया है। पहले सिंगल नंबर, डबल नंबर का भी किया है, बट अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स रिग्रुपिंग है। रिग्रुप करना कैसे है ये मैं जो पेज नंबर 92 है आपको उसमें सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, आप थोड़ा समझ लेना। उसके बाद एक्टिविटी 7 हमें करना है, तो पेज नंबर 93 में हम करेंगे। तो ये जो पेज नंबर 92 है तो ये आपको हेल्प करेगा एक्टिविटी 7 करने में। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सो नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। लेट अस सब्ट्रैक्ट टू डिजिट नंबर्स एज इन एडिशन वी सब्ट्रैक्ट वंस फर्स्ट एंड देन टेंस। यानी एग्जाम्पल 1 में बताया है सब्ट्रैक्शन 21 फ्रॉम 29 बाय एक्सपांडिंग। यानी एक्सपांडिंग किसको कहते हैं, जैसे हमने पहले टेंस और वंस का लिखा था प्लेस वैल्यू का, उसी तरह इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही है, बट एक्सपांडिंग फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, देन आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 21 फ्रॉम 29, जब ऐसे लिखा होगा, जब हमें खास ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन हमेशा बिगर नंबर से ही स्मॉलर नंबर को हम माइनस करते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, तो यानी बिगर नंबर से ही स्मॉलर नंबर को हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, देखिए चलिए सॉल्यूशन कैसे बताया है। 29 को पहले लिखा है, देन 21, ऑब्वियसली हम बिग नंबर पहले लिखेंगे, बिग नंबर से स्मॉल नंबर को हम करते हैं सब्ट्रैक्शन माइनस। 29 इज इक्वल टू एक्सपांडिंग फॉर्म मीन्स आपको ऐसे लिखना है 2 10s प्लस 9 1s। एक्सपांडिंग फॉर्म इसको कहते हैं, हमने जैसे टेंस और वंस का लिखा था इस तरह से। हम पहले माइनस तो करेंगे, हमने ये लिख दिया 29, माइनस करना है 21 को, यानी बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर, बट एक्सपांडिंग फॉर्म बोला है इसलिए 2 10s प्लस 9 1s आपको इस तरह से लिखना है। एंड हियर 2 10s है प्लस 1 1। अब ये हो गया आपका, ऐसे करना है। सो फर्स्ट स्टेप बताया है, फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द डिजिट इन द वंस प्लेस, जैसे मैंने अभी एडिशन में बताया था इसी तरह। यानी माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें वंस का प्लेस जो है उसमें हमें माइनस करना है। ये एक्सपांडेड फॉर्म में हमने लिख लिया, अब हम इस तरह से करना होगा, तो वंस का प्लेस से हम माइनस करेंगे। यानी 9 माइनस 1, यहाँ पर देखिए टेंस और वंस 29 माइनस 21, सेम ये चीज़ है, इसमें टेंस और वंस लिखा है और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसके नीचे नंबर्स लिखे हैं। ओके, सो 9 माइनस 1 यहाँ पर देखिए एबेकस में फर्स्ट वंस के प्लेस में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वंस के प्लेस में है 9 और टेंस के प्लेस में है 2, यानी 29 है। ओके, ये नंबर 29 है, यानी 29 में से आपको, आप देखिए 9 माइनस 1 करना है, यानी ये 9 बीच से इसमें से 1 कट कर दिए, तो यहाँ काउंट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। और यहाँ से अब ये हमने किया है वंस का प्लेस का माइनस। ओके, 9 माइनस 1, आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ तो प्लस दिया है, बट ओनली ये एक्सपांडेड फॉर्म है, आपको इस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा प्लस ही, बट जब यहाँ पर आप लिखते हैं तब आप देखिए इस तरह से, फिर ऐसा नहीं सोचना कि आप प्लस, हमें एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर आप जब लिखेंगे आंसर प्लस में ही होगा, देखिए आप यहाँ नीचे। ओके, तो यहाँ पर 9 माइनस 1 वंस का प्लस का कर दिया, 8 हो गया, अब टेंस के प्लस में करेंगे। अब 2 है तो 2 में से 2 माइनस करना है, 2 टेंस के प्लस में 2 को कट कर दिया, देखिए इसमें एक भी बचा नहीं है काउंट करने के लिए, तो इसमें 0 होता है, तो यहाँ 0 नहीं लिखा है और यहाँ भी 0 नहीं लिखा है। अब हम स्टेप 2 में देखते हैं, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द डिजिट इन द टेंस प्लेस। ये वंस का प्लेस का था, ये टेंस का प्लेस का है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ लिखा है 0, यानी यहाँ पर आप देखिए
टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो टेंस प्लस एट वंस, यानी जीरो एट आंसर आपको मिल रहा है. 29 माइनस 21 इज इक्वल टू एट. ओके, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप है. इस तरह से हमें एक्सपांडेड फॉर्म में अगर आपको इस तरह से दे तो भी आपको इसी तरह से माइनस करना है, और इस तरह से देंगे तो भी ऐसे ही माइनस करना है. यानी सिंपल माइनस ये समझिए, आप इसको करना है माइनस तो कैसे करेंगे, हमने पहले किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम. सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 48 बाय एक्सपांडिंग देम. एक्सपांडिंग देम बोला है इसीलिए यहाँ पर लिखा है इसी तरह. यहाँ पर ऐसे भी मैंने बताया है, फ्रॉम बोला है तो जो बिगर नंबर होता है उसको ऊपर लिखेंगे. फोर टेंस प्लस एट वंस, देन थ्री टेंस प्लस टू वंस, माइनस यहाँ पर माइनस का साइन आएगा. तो यहाँ पर है टेंस और वंस 48 माइनस 32. तो यहाँ पर हम करते हैं माइनस कैसे करेंगे, 8 माइनस 2, यस 8 माइनस 2, 8 में से 2 कट कर देना है. अदरवाइज हम डाउन टू अप भी काउंट कर सकते हैं. क्लोज आवर फिंगर, 18 माइनस, देन 2 आफ्टर, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने स्टेप काउंट किए हम वो आंसर लिखना है. आपका कितने फिंगर्स हो रहे हैं और काउंट करने के बाद वो आंसर लिखना है आपको. 8 माइनस 2 यानी 6 होता है. ओके, 4 माइनस 3 यानी 3 का बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. 4 तक जाना है, 3 बैकवर्ड जाएंगे तो कितना होगा, 4 यानी 1 फिंगर. तो 110 प्लस 6 वंस इज इक्वल टू 48 माइनस 32, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है आंसर 48 माइनस 32 इज इक्वल टू 16. यानी जो ये 92 नंबर पेज है, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स विथ, सो एक्सपांडिंग यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विथ एक्सपांडिंग फॉर्म, इस तरह से करना है आपको. ओके, तो इस ये आप अगर पेज नंबर 92 समझ गए हैं तो हम एक्टिविटी 7 में पेज नंबर 93 कंप्लीट करेंगे. अब आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 93 में, एक्टिविटी 7. ओके, जो 92 नंबर पेज में समझा है इसी अकॉर्डिंग 93 पेज नंबर कंप्लीट करना है, इसी मेथड में होगा. चलिए देखते हैं क्या करना है एक्टिविटी 7 में. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय एक्सपांडिंग देम. एक्सपांडिंग देम सेम आप समझ रहे हैं, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यानी ये करके बताया आपको, वो बताया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 76 एंड 52 उसको एक्सपांडिंग फॉर्म में लिखा है. कैसे, 7 टेंस प्लस 6 वंस एंड 5 टेंस प्लस 2 वंस. ओके, इसका माइनस किया है, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 7 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 2. 6 माइनस 2 यानी ये जो वंस का प्लेस का माइनस किया है वो क्या है, 2 से आप 6 तक काउंट कर सकते हैं. 2 आफ्टर, 3, 4, 5, 6 यानी 4 स्टेप आप काउंट कर रहे हैं तो आपको 6 आंसर मिल रहा है. तो जो आंसर है आपके फिंगर्स काउंट हो रहे हैं वो आपको वंस के प्लेस में आंसर लिखना है. 4 वंस एंड 7 माइनस 5 में 5 आफ्टर 6, 7 यानी 2 स्टेप काउंट हो रहा है. तो इसका आंसर हो रहा है 2. 2 टेंस प्लस 4 वंस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 7 माइनस 2 5 इज इक्वल टू 2. तो कितना आंसर मिल रहा है हमें, 24. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बताया 59 एंड 33 है. यहाँ बॉक्स खाली दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ लिखना है 5 टेंस 9 वंस. फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ नंबर लिखना है, टेंस और वंस तो लिखा ही है एंड 3 टेंस एंड 3 वंस. ओके, इसको आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप यहाँ भी यहाँ करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं और यहाँ करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं. 9 माइनस 3, तो हमें इसका क्या करना है, 3 से 9 तक काउंट करना है. डाउन टू अप, 9 इन माइंड, क्लोज आवर फिंगर, डाउन टू अप. अब फिंगर आपको ओपन करना है, 3 आफ्टर काउंट करेंगे. डाउन टू अप मतलब 3 से 9 तक काउंट करना है आपको. 3 आफ्टर, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने फिंगर हो रहे हैं, 6 फिंगर. तो यहाँ पर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. यस, तो वंस का प्लस का आंसर वंस में एंड टेंस का प्लस का आंसर
टेंस में। 59 - 33 = 26, इस तरह से आपको यहाँ पर भी 2 tens and 6 ones आंसर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, 95 and 90, 9 tens 5 ones and 9 tens 0 ones, यानी 95 - 90। आपको पहले बताया है 5 - 0, यानी अगर यहाँ पर एडिशन होता है यानी प्लस होता है, 5 यहाँ प्लस और 0 होता है तो भी सेम आंसर आता 5। अब नंबर ऊपर है 5 - 0 तो 5 ही होगा, लेकिन यहाँ पर अगर जब कैरी होता है यानी सब्ट्रैक्शन में हम बोरो करते हैं या 0 होता है तो आंसर चेंज हो जाएगा, बोरो करके हमें माइनस करना पड़ेगा। बट एडिशन में क्या होता है, ऊपर 0 होगा और नीचे 5 होगा तो भी आंसर हमें सेम ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर 95 - 90 है तो 5 - 0 = 5 और 9 - 0 = 0। यहाँ पर आपको 5 - 0 क्या लिखना है, 5, और सेम यहाँ पर 0 tens and 5 ones। क्वेश्चन 4, 88 - 44, 8 tens and 8 ones, 4 tens and 4 ones। चलिए आपको करना है, ये कैसे करना है, 8 - 4, यस 4 आफ्टर, क्लोज आवर फिंगर, 18 - 9, डाउन टू अप जाएंगे, फिंगर्स ओपन करना है, 4 आफ्टर 5, 6, 7, 8, कितने फिंगर्स हो रहे हैं, 4, यहाँ पर आंसर लिख दिया वंस का प्लस का। देन अगर सेम नंबर है यहाँ पर भी सेम होगा तो क्या हो जाता है, 4 and 4, 44, 4 tens + 4 ones इसका आंसर। ओके, नाउ 5 क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, 67 - 27, 6 tens 7 ones, 2 tens 7 ones। अब 40 इसका आंसर हमें मिला, 7 - 7 = 0, यानी 7 में से 7, आपके पास 7 है और 7 चॉकलेट्स होंगे आपके पास और 7 खा जाएंगे तो आपके पास एक भी नहीं बचेगा। 7 - 7 = 0 एंड 6 - 2 = 4, 6 tens 7 ones, इसी तरह यहाँ पर 2 tens 7 ones, 7 - 7 = 0 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर टेंस के प्लस में होता है 6 - 2 = 4, यानी हमें आंसर मिल रहा है 40। ओके, इसी अकॉर्डिंग हमने पेज नंबर 93 भी कंप्लीट किया, एक्टिविटी 7 जो हमने 92 में अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसी मुताबिक इसको करना है। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी लगता है तो दोबारा आप इस पेज नंबर 92 और 93 को आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको करने में इजी होगा ये टॉपिक। ओके, अब हम पेज नंबर 94 में देखते हैं क्या है, 94 पेज नंबर में एक्टिविटी 8 है वो कंप्लीट करेंगे, टर्न योर पेज नंबर 94, एक्टिविटी 8। ओके, तो एक्टिविटी 8 में भी है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना, यहाँ भी सिंपल सब्ट्रैक्शन है यानी सिंपल माइनस करना है, इसीलिए ऊपर देखिए टेंस और वंस के बीच में कोई जगह और कोई सर्कल नहीं किया है, सिर्फ सिंपल माइनस करना है। पहले हमने 1 digit नंबर का किया था, सिर्फ वंस के प्लस में ही रहता है नंबर, उसका ही माइनस किया था, और अभी टेंस और वंस यानी 2 digit नंबर का माइनस करना है। तो यहाँ पर बताया है नंबर टेंस और वंस 24 and 13, आप देखिए कोई भी नंबर माइनस करते हैं हम तो ऊपर का नंबर बिगर ही होता है स्मॉलर नंबर से। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वंस के प्लस से माइनस करना, यानी राइट साइड से 4 - 3, 4 - 3 = 1 एंड 2 - 1 = 1। बच्चों हमने पहले माइनस किया है इसीलिए आपको बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ध्यान में रखते हुए थोड़ा माइनस करना है। 6 - 4 = आपको अगर उस तरह से करना है तो मेरी बात को बार बार रिपीट कीजिए, 6 in mind, क्लोज आवर फिंगर, डाउन टू अप, 4 आफ्टर काउंट करेंगे, 6 तक ही काउंट करेंगे। ओके, 4 आफ्टर 5, 6, तो कितने फिंगर हो रहा है, 2, हम यहाँ पर वंस के प्लेस में 2 लिख दिया, और 3 - 1, 1 आफ्टर 2, 3, यानी 2 fingers हो रहे हैं, तो इसमें भी हमें आंसर मिल रहा है 22। ओके, सेम यहाँ पर 48 - 24, 8 - 4, आपको अगर
ऐसा लगे तो आप लाइन करके भी कर सकते हैं, क्रॉस करके, हम यहाँ लाइन करते हैं और क्रॉस करते हैं उस तरह से भी, बट वो मेथड ज़्यादा आगे नहीं चलेगा, बिगर नंबर हो जाता है तब तक नहीं चलेगा, अभी ये स्मॉलर नंबर है तो हम ऐसे कर सकते हैं। 8 माइनस 4 यानी 18 माइन, क्लोज आवर फिंगर, डाउन टू अप, 8 माइन में है इसलिए 8 तक ही काउंट करना है आपको, जो हमने डाउन टू अप लिया है 4 आफ्टर काउंट करना है, 4 स्टेप, 4 आफ्टर 5 6 7 8, जो आंसर मिल रहा है हम यहाँ पर वंस के प्लेस में लिखेंगे, वंस का प्लेस का आंसर वंस में 4 एंड हियर 4 माइनस 2 2, यानी इसका भी आंसर मिल रहा है हमें 24। से अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 है 59 माइनस 45, 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4 एंड 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1, इसका भी आंसर हमें मिल रहा है 14। ओके, सेम वे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 में 55 माइनस 33। ये यहाँ पर ये बताया, आप देखिए नोटिस कीजिए, ऊपर सेम नंबर है नीचे सेम नंबर है, यहाँ पर डिफरेंट नंबर है यहाँ सेम नंबर है, तो थोड़ा सा इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए सेम नंबर है, यानी आप समझ रहे हैं आपको क्या सीखना है इसमें, थोड़ा ध्यान में रखते हुए सेम नंबर आपको अगर 5 माइनस 3 आपने किया है तो आपको यहाँ भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा ध्यान दो आप, 5 माइनस 3 अगर 2 होता है तो यहाँ पर भी 5 माइनस 3 2 ही होगा, तो ये जो सेम नंबर से हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो आंसर टेंस और वंस में सेम होता है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया है, आप इसको ध्यान में रखते हुए करना, हमेशा ये बात याद रखना। अब यहाँ पर टेंस और वंस में दोनों जगह सेम नंबर है ऊपर नीचे 55 एंड 33, तो वंस के प्लस में अगर 2 होता है टेंस के प्लस में हमें काउंट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, सेम नंबर यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताएं 67 माइनस 44, यानी ये नंबर डिफरेंट है लेकिन नीचे का नंबर सेम है, अब 7 माइनस 4 3 और 6 माइनस 4 2, अब यहाँ पर ये बताया कि वंस का प्लस का नंबर सेम है तो क्या होगा आंसर, यानी 5 माइनस 5 0, इसी तरह अगर आपको कोई भी नंबर दे दे 4 माइनस 4 0, इस तरह आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी होगा अगर 2 माइनस 2 तो 0, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया है 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 माइनस होता है तो 0 होता है एंड 7 माइनस 5 2, यहाँ पर भी दिया है सेम नंबर लेकिन ऊपर का नंबर डिफरेंट है, यानी जो ये 1 वाला नंबर है, यानी आपको ये याद रखना है कोई भी नंबर से आप 1 माइनस करते हैं तो जस्ट उसका बिफोर नंबर होता है और प्लस करने से जस्ट उसका आफ्टर नंबर होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस करने बैठते हैं 17 माइंड 1 आवर फिंगर फिर काउंट करते हैं बहुत लंबा होता है, तो अगर आप याद रखते हैं 0 और 1 का कॉन्सेप्ट तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है, जैसे 7 में से 1 कट कर देंगे तो उसका जस्ट बिफोर नंबर होगा, 7 का बिफोर नंबर 6 एंड 8 का बिफोर नंबर 7। ओके, इसका आंसर हमें मिल गया 76। इस तरह से 0 जहां दिया होता है, यानी ये देखिए आप 0 है ना, तो 0 का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, तो सेम माइनस में तो सेम होता है ऊपर नंबर रहेगा, तो प्लस में भी ऊपर हो या नीचे हो सेम होगा, बट जब हम करेंगे बोरो माइनस में तब थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर भी देखिए 98 और 88 है, तो इधर का जो आंसर मिला हमें, हमने यहाँ पर भी सेम लिखा, ओके सेम यहाँ पर है 84 एंड 23 डिफरेंट नंबर है, तो आपको इसको माइनस करना है, 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 एंड 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6, 61 आंसर। यहाँ पर है 33 एंड 10, यानी 3 माइनस 0 क्या होगा 3, और 3 का एग्जिट बिफोर नंबर आपको 1 माइनस करने से क्या मिलेगा 2 23। यहाँ पर भी है 87 एंड 30 30, तो सेम यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ माइनस और माइनस करने की ज़रूरत नहीं, सेम नंबर हमने नीचे लिख दिया रिपीट करके, और सिर्फ हमें टेंस का प्लस में माइनस करना रह जाएगा, तो इसमें से 8 माइनस 3 करेंगे आप तो आपको आंसर मिलता है 5। ओके, तो आप क्वेश्चन 13 14 हमने तो यहाँ पर कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक मैंने जो बताया इसी अकॉर्डिंग आपको ये पेज नंबर 94 कंप्लीट करना है, थोड़ा सा आप रिपीट करके मेरी बात सुनोगे तो आपको याद रहेगा और आगे आपको इजी हो जाएगा करने में। ओके, तो यहाँ पर है, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है, इसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन 13 14 15
और 16 ध्यान में रख के करना, आपको ये पेज पूरा पेज नंबर 94 कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में, और क्वेश्चन 13 14 15 16 आप अपने आप करने की कोशिश करो। ओके, इसी के मुताबिक हम आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्टिविटी नंबर 9 और पेज नंबर 95। आपको पेज नंबर 94 मैंने 12 नंबर तक बता ही दिया है, 13 14 15 16 आप अपने आप थोड़ा ट्राई करो करने का, और फिर अगर ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी लगे तो वीडियो को दोबारा ध्यान से देखना है सुनना है तो आपको इजी हो जाएगा। अब एक्टिविटी 9 में हम जा रहे हैं, पेज नंबर 95 में। इसमें भी ध्यान देना बच्चों, बहुत ही ईजी है। सब्ट्रैक्शन इन टेंस, ओनली टेंस का प्लेस में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस ही करना है, इतने टाइम से मैं वही बता रही हूँ। ओके, और इसी तरह एडिशन मीन्स प्लस ही करना होता है, एडिशन में भी टेंस का प्लस प्लस का एडिशन आता है। कैसे, यानी जो यहाँ पर जीरो दिया रहता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है 70 माइनस 10, तो यहाँ पर ये जीरो का तो जीरो ही होगा, बाकी रह गया सिर्फ टेंस का प्लस ना। इसी तरह एडिशन में भी क्या होता है, जीरो जीरो रहेगा तो जीरो ही होगा, और सेवन प्लस अगर वन देता है तो आपको सिर्फ टेंस का प्लस का ही एडिशन करना रहेगा, प्लस करना होगा, राइट। तो इसी तरह इसको माइनस करना है, अभी टेंस और वन 70 माइनस 10, तो क्या करना है, इसका तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है जीरो, इसमें कोई नंबर ही नहीं है तो माइनस क्या करेंगे, तो जीरो लिख दिया हमने। अब 7 माइनस 1 तो क्या होता है, जस्ट उसका बिफोर नंबर क्या है, 6। यस, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी 70 माइनस 10 होता है 60। सेम देखिए, यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, यानी आपको ये जीरो का कुछ नहीं करना, आप सेम जीरो जीरो का आंसर लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, सिर्फ आपको ऐसे जीरो का होगा तो आपको टेंस के प्लेस में ध्यान देना है। सेम यहाँ पर हम जीरो लिख देते हैं ऑन 5 माइनस 3 2। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 9 में, सेम टॉपिक पे दिया है आपको माइनस करने का, तो इसमें है 60 माइनस 40, यानी टेंस के प्लस और टेंस और वंस है तो वंस में हमने जीरो ही लिख दिया और टेंस का प्लस का हम माइनस करेंगे, तो है 6 माइनस 4, 6 इन माइंड क्लोज आवर फिंगर डाउन टू अप 4 आफ्टर 6 तक काउंट करना है, याद रखना 4 आफ्टर 5 6, यानी 2 फिंगर हमारा हो रहा है तो हम 2 आंसर यहाँ लिख देंगे, 60 माइनस 40 20। अब 50 माइनस 20 0, यानी यहाँ 5 माइनस 2 3, 70 माइनस 60, यानी 50 माइनस 20 कितना होता है 30, 70 माइनस 60, यानी यहाँ 0 मिल गया हमें, सिर्फ टेंस का प्लस देखते हैं तो 7 माइनस 6 जस्ट बिफोर नहीं होगा, 7 माइनस 6 करना है, 6 7 इन माइंड क्लोज आवर फिंगर 6 आफ्टर क्या होता है 7 में ही जाना है, एक ही फिंगर हो रहा है तो 1, यानी 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10। 90 माइनस 50, यानी 9 माइनस 5 4, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 40। इसी अकॉर्डिंग देखिए आप, हमने किया है सिर्फ टेंस का प्लस का माइनस किया है, 60 माइनस 40, यहाँ पर 20 आंसर मिला, यहाँ पर 30 मिला, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 40। इसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन 5 6 7 8 कंप्लीट करना है। ओके, आपको इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया सिर्फ जीरो लिखकर टेंस का प्लस का माइनस करना है। इसी के साथ आपको पेज नंबर 95 एक्टिविटी 9 कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 96 में। पेज नंबर 96 में क्या है, जरा आप ध्यान से सुनेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग रिग्रुपिंग, यानी रिग्रुपिंग वाली जो है, मैंने जैसे पहले हमने एडिशन किया था, एडिशन में कैरी वाली थी और इसमें रिग्रुपिंग है, यानी कैसे रिग्रुप होता है, टेंस और वंस, यानी मैंने बताया था वंस के प्लस का वंस का ही करना है और टेंस के प्लस का टेंस को ही माइनस करना होता है, इसको ग्रुप वाइज है। मतलब अगर यहाँ बॉयज़ खड़ा है और यहाँ गर्ल्स है तो गर्ल्स इसी लाइन में खड़ी होगी और बॉयज़ इसी लाइन में खड़े होंगे, इसीलिए इसको रिग्रुपिंग कहते हैं, यानी वंस के प्लस से वंस को माइनस करना, टेंस के प्लस से टेंस को माइनस करना। लेट्स स्टार्ट
ओके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। सबट्रैक्ट 15 फ्रॉम 23, जैसे कि मैंने बताया है माइनस करने के लिए हमेशा बिग नंबर को ऊपर लिखना पड़ता है, भले वो पहले अगर 20 अगर स्मॉल नंबर आगे होता है पहले दिया होता है तो भी हम बाद का जो नंबर है वही लिखेंगे। 23 यानी बिगर नंबर है वो पहले लिखेंगे, फ्रॉम बोला है इसीलिए। और फ्रॉम बोले या ना बोले, माइनस में स्टोरी सम्स में दिया होता है ना, बाद में बिगर नंबर पहले स्मॉलर नंबर, तो भी आपको बिगर नंबर ऊपर लिखना होगा। बट एडिशन में उस बात का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस करने के टाइम जैसे नंबर दिया यहाँ 15 और 23, इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेंस और वंस लिखकर हम करेंगे, 23 लिखा है ऊपर एंड 15 लिखा है, तो रिग्रुपिंग में 23 में क्या होगा, टेंस और वंस में 2 tens 3 ones एंड 1 tens and 5 ones, जैसे मैंने एक्सपांडिंग फॉर्म पहले बताया था उसी मेथड से करना है, यानी एक्सपांडिंग और यहाँ रिग्रुपिंग दिया है। ओके तो इसमें इस तरह से है। तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि माइनस करने के लिए हमेशा ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से बिगर होना चाहिए, यानी ऊपर का नंबर ग्रेटर, इसके पास ज़्यादा होगा तो ही नीचे को दे सकता है। यानी आप सपोज समझ लीजिए, आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो ही आप किसी को दे सकते हैं, अगर कम होगा तो आप कुछ भी दे नहीं सकते। यानी माइनस करने के लिए हमेशा ऊपर का नंबर बिगर होना चाहिए, जबकि हमें दिख रहा है कि 3 इज़ द स्मॉलर नंबर देन द 5, यानी 3 minus 5 नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वंस के प्लेस से ही माइनस करना है, लेकिन हमें टेंस से हम एक उधार मांग के लाएंगे, ठीक है। यानी हम कहाँ से लेकर आएंगे, अगर हमारे पास कम है तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, अपने बाजू वाले से लेकर आएंगे। अब टेंस के प्लेस में देख रहे हैं कि इसमें ये 1 से तो ज़्यादा है, 2 है, तो इसका तो इतना ज़्यादा का कोई काम नहीं है, हम आपको ही किसी को शेयर करना है तो आपको इससे मांग के लाना पड़ेगा। 1 हमने 2 में से 1 इसमें एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो क्या करना है, पहले रिग्रुपिंग में 3 कट करके ऊपर लिख दिया, देन 2 में से 1 ले लिया, तो कितना हो गया नंबर 13। अब देखिए 3 को कट करके ऊपर जो 13 हमने पहले नंबर बनाना है माइनस करने के लिए, अब आप देखेंगे 5 से 13 बिगर नंबर है। ओके 5 से 13 बिगर नंबर है, अब तो यहाँ पर माइनस हो सकता है, सेम माइनस का मेथड सेम रहेगा, 13 इन माइंड, क्लोज आवर फिंगर डाउन टू आप 5 से आपको 13 तक काउंट करना है, 5 after 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने फिंगर्स हो रहे हैं, 8, तो आपको यहाँ पर आंसर 8 वंस के प्लेस में ही नीचे लिख देना है 8, क्योंकि आपने इसी प्लेस का माइनस किया है राइट साइड का। अभी यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 कट कर दिया था, यहाँ इसमें से 2 ले लिया है तो इसमें 1 ही रहेगा। सपोज़ आपके पास 2 पेंसिल है, आपने 1 किसी को दे दिया है, उसके पास ज़्यादा हो गया है लेकिन आपके पास तो कम हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो अब ऊपर भी नंबर 1 है, नीचे भी नंबर 1 है, अब 1 minus 1 क्या होता है, 0। आप देखिए रिग्रुपिंग और माइनस बोरोइंग करने में आपको क्या करना होगा, ये नंबर को जब आप कट करके ऊपर नंबर रेडी करते हैं इस नंबर को बिल्कुल भूल जाना है, आपको ये ऊपर और नीचे का नंबर में ही खास ध्यान देना है, इससे ही आपको माइनस करना होगा। ओके ये मैंने यहाँ पर इतना बताया, पहले यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं आप समझ लीजिएगा। वी फर्स्ट सबट्रैक्ट द डिजिट इन द वन प्लेस, यानी वंस का जो प्लेस है हमने पहले वो सबट्रैक्ट किया, जैसे मैंने बताया माइनस किया। नाउ 3 इज लेस देन 5, यानी 3 मैंने जो बताया वही है, यहाँ पर वी शैल रिग्रुप 23, यानी 23 का रिग्रुप का 2 tens plus 3 ones है, तो इसको देखिए 1 ten plus 1 ten, इसको आप इसने कैरी करके इस तरह से कर दिया है। इतना हम डीपली जाएंगे तो बेटा आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इसी तरह जो मैं ये बता रही हूँ ये बहुत इजी होगा, आप इसमें ही ध्यान देना खास। यानी 3 को कट करके ऊपर लिख दिया आपने और 1 कैरी यहाँ से ले लिया तो 13 हो जाता है। यानी आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ 3 हो या 2 हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको सामने यानी टेंस के प्लेस से आपको 1 ही लेकर आना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उसमें 2 होगा तो 12 होगा, 3 है तो 13, 4 होगा तो 14, इस तरह से। ओके नाउ वी सबट्रैक्ट, यानी अब माइनस कर सकते हैं, इस तरह से इन्होंने माइनस करके बताया यहाँ पर।
वह ये देखिए आप 13 माइनस 5 8 एंड 1 माइनस 1 0। तो इस तरह से रिग्रुपिंग का सब्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 30। तो यहाँ पर टेंस और वंस 30 माइनस 24 करना है, तो यहाँ पर ज़ीरो है। ज़ीरो को हमें ज़ीरो, आपके पास ज़ीरो है, आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो किसी को, फोर को अगर आपको, आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके बाजू वाले कुछ मांगता है तो आप दे नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस के प्लेस में देखना है, उसके पास ज़्यादा है उससे एक मांग लेना है। ओके, तो आपने ज़ीरो को कट करके ऊपर लिख दिया है एंड थ्री में से वन ले लिया है, तो आपको कितना नंबर हो रहा है, 10। ओके, इसका आंसर आपको नंबर मिल रहा है 10, यानी इसको थ्री को कट करके फिर इसका वन घट गया है, कम हो गया है, तो आपको ऊपर लिख देना है इसका जस्ट बिफोर नंबर 2। ज़ीरो कट, ऊपर ज़ीरो लिख दिया, थ्री में से वन ले लिया, यहाँ का नंबर रेडी हो गया 10, इसको ज़ीरो को कट कर दिया। अब थ्री को कट करके इसका, इसमें से आपने वन दे दिया, सपोज़ आपके पास 3 पेंसिल है, आपने वन दे दिया, आपके पास 2 ही रह जाएंगे, जस्ट एग्जिट उसका बिफोर नंबर आपको ऊपर लिखना है। अब आपको ये दोनों नंबर को भूल जाना है जिसको कट किया है, आपका ये जो दो नंबर है ऊपर और ये दो नंबर उसमें से माइनस करना है। अब आप देखिए 4 से 10 बिग हो गया, अब हम 10 माइनस 4 कर सकते हैं। 10 माइनस 4 करने से आंसर आपको मिलता है 6 एंड 2 और 2 माइनस 0, 2 माइनस 2 0, यानी 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। ओके, ये 96 नंबर पेज में सब्ट्रैक्शन यूजिंग रिग्रुपिंग में आपको समझना ही है, और थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, और ये समझने के बाद आपको एक्टिविटी 10 करना है पेज नंबर 97 में। 96 में कुछ लिखना नहीं है, आपको समझना है, एंड देन 97 नंबर पेज है एक्टिविटी 10, उसको आपको कंप्लीट करना है, यानी ये बोरोइंग के ही सब्ट्रैक्शन है। फाइंड द डिफरेंसेस, यानी डिफरेंसेस मीन्स माइनस करना है इन दोनों के बीच कितने डिफरेंस हैं। ओके, ये माइनस ही करना है, यानी बोरो करके माइनस करना है। सेम यहाँ पर माइनस करने के लिए ऊपर नंबर दिया है टेंस और वंस एंड देन 32 माइनस 16। यहाँ पर आप देखिए जगह दिया है, टेंस और वंस के बाद थोड़ा सा स्पेस, यानी सर्कल बना के उसमें आपको इसका नंबर रेडी करना है, यानी 2 माइनस 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलर देन 6 नंबर। ओके, तो इसमें आपको अपने आप करना है, पहले नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को कट करके ऊपर लिख दिया 2 एंड देन 3 में से 1 ले लिया, तो हो गया नंबर आपका 12 एंड 3 को कट करके ऊपर हमने लिख दिया उसका जस्ट एग्जिट बिफोर नंबर, यानी 3 में से आपने 1 दे दिया, तो आपके पास कितने रह जाएंगे 2, तो हमारा नंबर रेडी हो गया 2 एंड 12। अब 12 माइनस 6 एंड 2 माइनस 1, ये माइनस करना है, तो 12 में से 6 माइनस करने से क्या होगा, 12 इन माइंड क्लोज अ फिंगर डाउन टू अप, 6 आफ्टर, फिंगर ओपन करके काउंट करेंगे, 6 आफ्टर कहाँ तक काउंट करना है, 12 तक, 6 आफ्टर 7 8 9 10 11 12, कितने फिंगर्स हो रहे हैं, 6, यानी आप देखिए ये 6 और 6 को प्लस करने से ना आपको ये आंसर आता है। ओके, यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो आपको आंसर मिल रहा है, वंस से हमने वंस को माइनस किया, टेंस से हमने टेंस को माइनस किया, आंसर आपको मिल रहा है 16, यानी 32 माइनस 16 कितना होता है, 16। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, टेंस और वंस 44, इसको भी हमें रेडी करना होगा, 4 कट करके ऊपर लिख दिया, 1 हमने बोरो किया और 4 का एग्जैक्ट बिफोर नंबर हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या हो गया, 4 और 4 दोनों को कट कर दिया हमने, अब हमें माइनस करने के लिए 3 और 14 का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, तो 14 माइनस 9, यानी 14 तक काउंट करना है, आफ्टर 9 आफ्टर 10 11 12 13 14, कितने फिंगर्स हो रहे हैं, 5, तो आंसर हमने यहाँ लिख दिया 5 एंड 3 माइनस 1 1 आफ्टर 2 3, 2 फिंगर हो रहा है,
तो हमने यहाँ पर लिखा है आंसर 25, यानी 44 माइनस 19 कितना होता है 25। ओके नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में है, टेंस और वंस 93 माइनस 18। अब 93 माइनस 18 को माइनस करेंगे, 93 माइनस 18 माइनस करेंगे हम, तो इसमें हमने उसी तरह से किया है, 3 कट करके ऊपर लिख दिया है और यहाँ से 1 बोरो किया है, तो नंबर हो गया 13। और 9 ने 1 नंबर इसको दे दिया है, तो इसके पास कितने हैं 8 रह गए। अब 13 माइनस 8 करना है, यानी 13 में से 8 को कट करके निकाल देना है। सो 13 तक काउंट करेंगे, 8 आफ्टर 13 तक काउंट करेंगे, 8 आफ्टर 9 10 11 12 13, तो कितने फिंगर हो रहे हैं 5, और 8 माइनस 1 7, यानी आपका आंसर हो रहा है 75। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में है, 35 माइनस 9, यहाँ पर आप देखिए यहाँ ऊपर 35 है, वंस के प्लेस में नंबर दिया है 9, लेकिन टेंस के प्लेस में नीचे नंबर नहीं है, लेकिन इस मेथड सेम है, कुछ नहीं है, यानी आपको सोचना है यहाँ 0, यानी कुछ भी नहीं है। ओके यानी इसके पास 2 सिस्टर है बट आपके पास 1 सिस्टर ही है, ऐसे सोचना है। तो यानी टेंस और वंस, वंस के प्लस से वंस को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 5 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, हमने बोरो किया, 5 कट करके ऊपर लिख दिया, 1 बोरो किया, तो 15 हो रहा है यहाँ पर, और इसका एग्जैक्ट बिफोर नंबर हम इसके टेंस के प्लस में रेडी कर देंगे नंबर 2। अब 15 माइनस 9, 9 आफ्टर 15 तक काउंट करेंगे, 15 तक ही काउंट करना है, 9 आफ्टर 10 11 12 13 14 15, तो कितने फिंगर हो रहे हैं 6, यानी 15 माइनस 9 6, और 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी 0 खाली सोचना है, तो सेम नंबर आपको नीचे लिखना है, यानी 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 35 माइनस 9 हमें क्या आंसर मिल रहा है 26। स्टूडेंट्स आई होप कि आप समझ रहे हो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान से सुनना है और देखना है। ओके नाउ सेम क्वेश्चन 5 में है, यहाँ पर है 70 माइनस 30, यानी टेंस और वंस 70 माइनस 30, यहाँ पर वंस के प्लस में 0 है, तो हमें क्या करना है, नंबर्स रेडी करना है, ऊपर 0 कट करके लिख दिया, 7 से बोरो किया 10, अब 10 माइनस 7 करेंगे, और 7 का एग्जिट बिफोर नंबर इसमें से 1 कम हो गया है, दे दिया है, तो कितना रह गया 6, यानी 10 माइनस 7 क्या होता है 7 आफ्टर 10 तक काउंट करना है, कितने तक 10, 7 आफ्टर 8 9 10, 3 फिंगर्स 3 आंसर मिल रहा है, नीचे लिखना है, एंड 6 माइनस 3, यानी 3 से 6 तक काउंट करेंगे हम, 3 आफ्टर 4 5 6, इसमें भी हमें आंसर मिल रहा है 3, तो 70 माइनस 37 हमें आंसर क्या मिल रहा है 33। सेम वे यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, 66 माइनस 29, 66 माइनस 29 पहले हमने नंबर रेडी किया, फिर 16 माइनस 9 एंड 5 माइनस 2, यानी 16 माइनस 9 करने के बाद आंसर हमें मिल रहा है 7, और 5 माइनस 2 माइनस करने के बाद आंसर मिल रहा है हमें 3, तो हमें इसका आंसर क्या मिला 37, 66 माइनस 29 37। सेम हियर 51 एंड 24, ऊपर का नंबर स्मॉल है वंस के प्लेस में, तो हम इधर से नहीं कर सकते हैं, पहले भी मैंने बताया इधर से ही हमें माइनस और प्लस हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, रीज़न ये है कि आपको ये जो बोरो और कैरी करना पड़ता है इसके वजह से, अगर आप यहाँ से करते हो आपका रॉन्ग होगा। ओके आपको हमेशा राइट साइड यानी वंस के प्लस से ही करना है। तो अभी देखिए हमने रेडी नंबर्स ऊपर रेडी कर दिया है, तो 11 माइनस 4 करेंगे, तो 11 माइनस 4 कितना होता है, नंबर हमें मिला 7 एंड 4 माइनस 2 2, आंसर हमें मिल रहा है 27। सेम क्वेश्चन 8 में भी ऐसे ही है, आपको नंबर रेडी करना है पहले, इसका नंबर रेडी करके हमें मिल रहा है 12 यहाँ पर, और 4 का एग्जिट बिफोर नंबर है 3,
अब 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर मिल रहा है हमें 13। ओके, तो क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक मैंने बताया है, जैसे थोड़ा ध्यान रखना है, और 9, 10, 11, 12 आप अपने आप ट्राई करो, और इसमें बताया ही है वीडियो में कैसे करना है, लेकिन आपको अपने आप थोड़ा ट्राई करना है। इसमें देखिए आप 44 माइनस 25 है, पहले हमने नंबर रेडी किया ऊपर, और सेम यहाँ पर भी नंबर रेडी किया, पहले नंबर रेडी करना है देन माइनस करना है। ओके, इसी के साथ पेज नंबर 97 आप लिख कर कम्प्लीट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक। एक्टिविटी 10 कम्प्लीट हो जाता है, टेक्स्ट बुक में ही कम्प्लीट करना है, और इसमें सिर्फ बोरो करके माइनस करना है पेज नंबर 97 तक। एक्टिविटी 10 कम्प्लीट हो गया। ओके, आप इस तरह से बार बार वीडियो देख कर ध्यान से समझ के आपको ये कम्प्लीट करना है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्टिविटी 11 में, स्टोरी सम्स। अभी इतना आपको समझना है, ध्यान से देखना है और कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा बोरो वाली जो ये माइनस करना है बोरोइंग का, थोड़ा ध्यान से आप देखना और सीखना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्टोरी सम्स होंगे सिंपल सब्ट्रैक्शन के स्टोरी सम्स, एंड बोरो के भी, बोरोइंग के भी स्टोरी सम्स होंगे। ओके चिल्ड्रेन, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Thank you.